हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी पोयम आर्न जेनिफर्स टाइगर, और जिसकी पोएट का नाम है एड्रेनरिच। ये दोनों पोयम का नाम और पोएट का नाम पक्का सही पे भी पक्का याद कर लेना, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा आपका। ठीक है, इतनी बात समझ गई। और ये पोयम बहुत ही ज्यादा अच्छी सी है, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड है ये थोड़ी बहुत, और इसको पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। बोरिंग सी नहीं है, स्वीट सिंपल सी पोएम है और मैसेज भी देखी जाती है। तो बिना किसी देरी के अपने इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स चाहिए तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के पूरे साल के नोट्स टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। ठीक है, सो फॉलो कर लेना दोनों प्लेटफॉर्म पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम की भी और टेलीग्राम की भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम आर्न जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रेनरिच विदाउट एनी देरी। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं हम, और इस प्यारे से टाइगर को देखते देखते हम अपनी फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। आर्न जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। दे डो नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा का हम मीनिंग देखेंगे, और इनके जो वर्ड मीनिंग्स है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ पहले। ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग्स थोड़ा सा लास्ट में मैंने आपको दे रखे हैं। जैसे कि हमें प्रांस का मतलब देखना है, तो यहाँ पर देखो प्रांस का क्या मतलब होता है, वॉक करना, चलना। ठीक है, या फिर इधर उधर घूमना, मूव करना विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स, और ऐसे ऐसे बाउंस करके मतलब स्टेप्स लेना इस तरीके से। और टोपाज का क्या मतलब होता है, एक येलो कलर का पीला पुरखराज वाला जो स्टोन होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या फिर ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन जो होता है उसको हम टोपाज कहते हैं। ठीक है, और डेनिजन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो एनिमल्स हैं जो कि अपने जंगल में रहते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, और उसको हम डेनिजन कहते हैं, या फिर आप सिटीजन्स लगा सकते हो इन द एनिमल वर्ल्ड, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट स्टैंजा के, इसका मतलब मीनिंग्स हो गए फर्स्ट स्टैंजा के। ठीक है, और अब हम फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट एड्रेनरिच हमें क्या कहना चाहती है, पोएट जो है वो एक लेडी के बारे में बात कर रही होती है, एक वुमेन के बारे में बात कर रही होती है, जिसे वो आंट कहकर पुकारती है, और उन आंट का क्या नाम होता है, जेनिफर। तो इस पूरी पोएम में एक आंटी के बारे में बात हो रही है, हो रही होती है, और उस आंटी का क्या नाम है, जेनिफर। ओके, तो क्या कर रही होती है, एक कपड़ा लेती है कॉटन का, या फिर एक पीस ऑफ क्लोथ लेती है, उसके ऊपर कढ़ाई कर रही होती है, एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है ना। और वो जो कपड़ा है वो या तो वो टेबल क्लॉथ बना रही होंगी कढ़ाई करके, या फिर कोई वॉल हैंगिंग बना रही होंगी, है ना। और वो किस चीज की कढ़ाई कर रही होती है, वो कढ़ाई कर रही होती है टाइगर्स की। पीछे बैकग्राउंड तो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, जो कि जंगल को दर्शाता है, और उस जंगल के अंदर क्या है, टाइगर्स है, कढ़ाई वाले टाइगर्स है ना। और वो टाइगर, ऐसी कढ़ाई वो आंट जेनिफर कर रही है, जिसमें जो टाइगर्स हैं वो आसपास मूव कर रहे होते हैं और जंप कर रहे होते हैं उस फैब्रिक पे, उस कपड़े पे। ठीक है, जो टाइगर्स का कलर है वो बिल्कुल ब्राइट येलो कलर का है, जैसे वो पीले कलर के स्टोन का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा ब्राइट येलो, एकदम टोपाज स्टोन की तरह। और यहाँ पर येलो कलर जो है टाइगर का, उसको कंपेयर किया गया है किससे, टोपाज स्टोन से। ठीक है, द डेंस फॉरेस्ट, और जो बैकग्राउंड है उस कपड़े का वो ग्रीन कलर का है, जो कि दर्शा रहा है कि ये टाइगर का होम है, यानी कि जंगल है। ठीक है, ये जो टाइगर्स होते हैं ये अपने फॉरेस्ट के, अपने घर के, अपने जंगल के एकदम प्राउड इंसान, प्राउड जानवर होते हैं, या फिर प्राउड सिटीजन होते हैं, और फियरलेस होते हैं, नहीं किसी भी चीज का डर नहीं है, है ना। और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट होता है, किस चीज का कॉन्ट्रास्ट होता है, यहाँ पर आंट जेनिफर का और टाइगर का, मतलब दोनों के दोनों एक अपनी तरफ से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि टाइगर जो है वो बिल्कुल फियरलेस है, उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन ये जो लेडी है ना आंट जेनिफर, जो कि खुद कढ़ाई कर रही होती है, वो इतनी फियरलेस नहीं होती, वो इतनी मतलब निडर नहीं होती जितने ये टाइगर्स होते हैं। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से, आंट बिल्कुल डरपोक है, और जो टाइगर वो एम्ब्रॉयड कर रही है वो बिल्कुल निडर है। ठीक है, ये जो टाइगर्स वो एम्ब्रॉयड कर रही होती है ना, वो एकदम एलिगेंट, मतलब बहुत शाइनी से लग रहे होते हैं, और एकदम बढ़िया से सुंदर से लग रहे होते हैं, एकदम जेंटलमैन की ग्रेस आ रही होती है, इस तरीके के वो टाइगर्स लग रहे होते हैं। ठीक है, तो इस स्टैंजा के हम लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। राइमिंग स्कीम यहाँ पर फॉलो हो रही है, AABB। ठीक है, एनाफोरा देखो यहाँ पर दो लाइन्स में सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, दो लाइन्स, जैसे कि दे डू नॉट और उसके बाद दे, तो ये दोनों लाइंस जो हो रही है ना वो दे से स्टार्ट हो रही है, तो ये एनाफोर है। और मेटाफोर क्या होता है, जब हम
कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो कंपैरिजन किसका हुआ है? येलो कलर का टाइगर्स का। जो ये टाइगर्स का येलो कलर है वो किससे कंपेयर किया गया है? येलो कलर ऑफ टोपाज स्टोन, ठीक है। तो ये मेटाफर होगा। इसी के साथ बढ़ते बढ़ते हम आते हैं अपनी सेकेंड स्टैंजा पे, जो कि है आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, इवन फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी समरी देखो। जो जब आंटी जो है या फिर आंट जेनिफर जो है वो कढ़ाई कर रही होती है, क्या कर रही होती है? कढ़ाई कर रही होती है। तब आंटी की जो फिंगर्स होती है ना वो ऐसे डर के मारे हिल रही होती है, ट्रेम्बल कर रही होती है। और वो किस चीज से डर रही होती है? वो अपने हस्बैंड से डर रही होती है। क्यों डर रही होती है? क्योंकि आंटी की ना ये हॉबी है किस चीज की, कि उन्हें कढ़ाई करना बहुत पसंद है। लेकिन उनके हस्बैंड इतने खड़ूस टाइप के हैं कि उन्होंने इस हॉबी को परफॉर्म करने से मना किया हुआ है। वो बिल्कुल अप्रूव नहीं करते कि तू कढ़ाई कर सकती है, ठीक है। वो बिल्कुल साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं करनी तो नहीं करनी, कोई भी शौक तुझे अपना पूरा नहीं करना है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है हर हस्बैंड डजंट अप्रूव हर हॉबी ऑफ एम्ब्रॉयडरी। अब क्योंकि उनके हस्बैंड ने मना किया कि ये जो उनका शौक है एम्ब्रॉयडरी करने का ये वो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो खाली टाइम में बैठ के एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो इस वजह से उनकी जो फिंगर है वो डर के मारे कांप रही है ना। शी इज परस्यूइंग हर हॉबी इन फ्री टाइम, बट प्रोबेबली वो अपने हस्बैंड से बहुत डर रही होती है कि शायद वो फिर से मुझे डांटेंगे क्योंकि मैं अपनी हॉबी को परस्यू कर रही हूँ, है ना। अब उनकी फिंगर्स जो है, अब उन आंटी की जो उंगलियां भी हैं वो इतनी ज्यादा थक चुकी हैं काम कर कर, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है, ठीक है। अब उनकी ये जो फिंगर्स है वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, ठीक है। अब ये जो निडल है जिससे, ये जो सुई है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है, अब तो मुझे ये भी इतनी भारी लग रही है कि मैं इस कपड़े से उस सुई को निकाल ही नहीं पा रही हूँ, मेरी उंगलियां इतनी थक चुकी, ठीक है। अब ये जो स्टेंजा में एक फ्रेज यूज किया गया है अंकल्स वेडिंग बैंड, ये जो अंकल्स वेडिंग बैंड है इसका क्या मतलब होता है? जो वेडिंग रिंग अंकल ने आंटी को दी थी, पहनाई थी, मतलब वेडिंग के टाइम पे, है ना। तो वो आज भी, वो अंगूठी जो है वो आज भी आंटी की उंगलियों में है। यानी इसका क्या मतलब है, उस रिंग का क्या मतलब है, कि अब वो जो लेडी है वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है, निर्भर हो चुकी है, और जैसे जैसे हस्बैंड कहेगा वैसे वैसे उसे चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों की शादी हो गई है, ठीक है। और आंटी इज डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, ठीक है। अभी भी वो उस रिंग के वेट से, उस रिंग के वेट से बर्डन है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो हस्बैंड है उनके, वो उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अब यहाँ पर वेट का मतलब क्या होता है? एनसर्कलमेंट, यानी कि बिल्कुल ही सर्कल कर देना या फिर ट्रैप कर लेना, पकड़ लेना। तो उस रिंग का ये मतलब है कि अब जैसे उनकी शादी हो गई है अंकल और आंटी की, तो अब जितनी भी मैरिड लाइफ के बाद जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, उनका भार जो है सारे का सारा किसके ऊपर आ गया है? आंटी के ऊपर। अब उनके ऊपर पूरा का पूरा बर्डन आ गया है, ठीक है। अब वो जो आंटी है वो मैन की प्रॉपर्टी बन चुकी है, कि जैसा वो मैन कहेगा वैसे उस आंटी को चलना पड़ेगा, ठीक है। अब वो जो है एक डिमांडिंग लाइफ जी रही है, कि मतलब जैसे जो भी इंसान डिमांड करेगा वो उनको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों? ड्यू टू विच शी वॉज बॉर्न आउट, और इसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है अपने हस्बैंड के लिए और मैरिड लाइफ के बर्डन की वजह से, अब वो जो है बिल्कुल ही बॉर्न आउट, एकदम फटी फटी सी हो रखी है अपनी ओल्ड एज में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा और मतलब बता रखा है कि वो उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज देखी है अपनी मैरिड लाइफ में। एक छोटी सी रिंग जो है वो बिल्कुल हैवी हो जाती है उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनकी फिंगर्स जो है वो कांपने लग जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो रिंग है वो, यानी कि जो शादी की रिंग है वो बहुत बैड एक्सपीरियंसेस को दर्शाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उन्होंने पूरी लाइफ बहुत ज्यादा टॉर्चर देखा है। उनकी हस्बैंड जो, उनके हस्बैंड जो, वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं हर चीज, ठीक है। तो किसी किसी के लिए तो वेडिंग रिंग एक बहुत खूबसूरत चीज होती है, लेकिन उनके लिए वो बिल्कुल ही बैड एक्सपीरियंसेस बन गए थे। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम इज AABB, ठीक है। और एलिट्रेशन देखो, एफ जो साउंड है वो दो बार रिपीट की गई है, फिंगर और फ्लटरिंग में एफ एफ यूज हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेंजा की ओर। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड। अब यहाँ पर ऑर्डील्स का मतलब होता है बैड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और प्रांसिंग का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था कि लंबे लंबे हाई स्प्रिंग स्टेप्स लेना
और वॉक करना इस तरीके से, ठीक है। अब इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देखो, जो उनकी इच्छा थी कि वो फ्री होके जिए अपनी लाइफ, ठीक है, जैसी वो चाहें, और एकदम निडर होके बिना किसी डर के अपनी लाइफ को जिए और अपनी चॉइस से रहें जैसे वो रहना चाहती हैं, बिल्कुल जैसे टाइगर रहते हैं, बिना किसी डर के रहते हैं वो, और एकदम चैन शाओ की तरह जीते हैं और एकदम फ्री है, उन्हें कोई कोई बंधन नहीं है उनका, है ना। तो वैसे ही वो भी टाइगर्स की तरह, आंटी जो वो भी टाइगर्स की तरह एक फियरलेस, फ्री और बाय चॉइस वाली लाइफ जीना चाहती थी, ठीक है। ये उनकी अंदर वाली इच्छा थी, इनर मोस्ट डिजायर थी कि वो बिल्कुल स्ट्रांग रहे, निडर रहे, और वो जो इच्छा थी उसको ओवर पावर कौन कर रहा था, उनके हस्बैंड, ठीक है। उनकी जो इच्छा थी उसको कौन दबाता था हमेशा, कौन डोमिनेट करता था, उनके हस्बैंड डोमिनेट करते थे, ठीक है। प्रोबेबली हर ओडील विल एंड अपॉन हर डेथ, और ये जो प्रोबेबिलिटी ये की गई है कि ये जो उनका मुश्किल सफर है, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है, वो कब खत्म होगा, जब उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। जो उनकी डरी हुई शेकिंग वाली फिंगर है वो उनको रेस्ट मिल जाएगा जब उनकी डेथ हो जाएगी, बट स्टिल, लेकिन वो अंगूठी तो उनके उंगलियों पे ही रहेगी, लेकिन फिर भी डेथ के बाद भी वो उंगलियां, उस उंगली पे वो रिंग तो रहेगी, जिसका मतलब ये है कि डेथ के बाद भी उनका हस्बैंड का जो रूल है उनके ऊपर वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उनकी डेथ के बाद भी जो उनकी इच्छा थी आजादी की, निडरता की, वो हमेशा एक इच्छा बन के ही रह जाएगी, और वो जो इच्छा थी वो किसने जी ली, उनके टाइगर्स ने जी ली जिनको उन्होंने एम्ब्रॉयड किया था। इस तरीके से आप लगा सकते हो कि वो तो नहीं जी पाई एक ऐसी लाइफ जिसमें फ्रीडम हो, एक ऐसी लाइफ जिसमें निडरता हो, लेकिन जो उन्होंने अपने हाथों से, उन शेकिंग वाली फिंगर से उन्होंने अपने टाइगर्स की कढ़ाई की थी उस पीस ऑफ क्लॉथ पे, एटलीस्ट उन्होंने वो लाइफ जी ली टाइगर्स ने, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर थोड़ा सा और मीनिंग बताया है कि पोइटी कहती हैं कि वो देख सकती हैं उन आंटी की फ्रीडम डिजायर के लिए, उन आंटी की जो डिजायर है फ्रीडम के लिए, फियरलेसनेस के लिए, जैसे उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, तो हम उन टाइगर्स, बने हुए टाइगर्स को देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ, उन आंटी की बहुत ख्वाहिश थी कि वो फ्रीडम से रहे, फियरलेसनेस से रहे, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इस लाइफ टाइम में इस इच्छा को पा सके, है ना। उनकी डेथ के बाद भी वो जो है हमेशा हस्बैंड की वेडिंग रिंग के अंदर कैप्चर्ड है, इस तरीके से आप कह सकते हो, और वो कभी भी फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं जी सकती बिकॉज ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड या फिर अंकल्स वेडिंग रिंग, और क्योंकि वो रिंग हमेशा ही उनके उंगली पे रहती है, ठीक है। उस रिंग का ये प्रूफ है, वो जो रिंग है वो किस चीज का प्रूफ है, जो हस्बैंड ने उनके ऊपर टॉर्चर करे हैं। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरे हाथ पे हम ये कह सकते हैं कि जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो हमेशा एक ऐसी लाइफ को दर्शाते हैं जैसे टाइगर्स जीते हैं, कि वो निडरता से, फ्रीडम से रहते हैं और ब्रेवरी और प्राउडली जंप करते हैं, ठीक है, उस पीस ऑफ क्लॉथ पे। तो ये कॉन्ट्रारी हो गया एकदम, टाइगर्स की लाइफ अलग हो गई जैसी आंट जेनिफर जीना चाहती थी, लेकिन आंट जेनिफर बिल्कुल अलग हो गई। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम इज AABB, एलिटरेशन इज पी की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है प्रांसिंग और प्राउड में, ठीक है। और न्यू वर्ड मीनिंग्स में तो मैंने आपको सारे मीनिंग्स बता दिए। फ्लटरिंग का मतलब जल्दी जल्दी मूव करना, प्रांस का मतलब क्या होता है, प्राउडली मूव करना, और डील्स का मतलब क्या होता है, पूरे एक्सपीरियंसेस या फिर डिफिकल्ट, स्लीक का मतलब क्या होता है, शाइनी, वैलरिक का मतलब क्या होता है कि एक मैन का जो बिहेवियर होता है वुमेन की तरह वो बहुत पोलाइट है और ऑनेस्ट बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड मीनिंग्स भी हो गए, और अब फाइनली हमारी जो पोएम है वो खत्म होती है। एंड आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और मेरे पढ़ाने और समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।